हर माइंड ब्लोइंग कहानी के पीछे ना कुछ बहुत ही बुरे डिसीजंस होते हैं। आसुबा ने कहा होगा कभी, वही ये सब कहते रहते हैं। वहां से वैसे ही दिखता होगा ना, और यहां से इतनी स्पीड से भाग क्या रहे। अगर मैं भी मुड़ के इनके साथ भाग लूं तो इनको पता भी नहीं चलेगा ना कि मेरी तरफ भाग क्या रहे थे। इतना क्या स्पीड से भाग गया ना, मतलब यही तो हूं। कोई ट्रिप करके गिर गया तो लेट्स बिगिन। मर्द को दर्द नहीं होता, बोला ना बे, मर्द को दर्द नहीं होता। रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन हुआ तो इजी सूर्या, इजी। मुझे एक नॉर्मल बच्चा चाहिए था। तो क्यों वापस आया? तू सीख, लगन से सीख, तू एक दिन कराटे मैन बन जाएगा। पाप को जला के राख कर दूंगा। लाइफ रिकैप। ओह शिट, मैं मर रहा हूँ डिहाइड्रेशन से। मुझे पानी पीते रहना चाहिए था, पर मेरे ब्रेन सेल्स मेरा लाइफ रिकैप एक बेकार 90s म्यूजिक वीडियो स्टाइल में क्यों कर रहा है? इससे तो बेटर ही हो सकता है, और वो भी एकदम स्टार्टिंग से। ये क्या है? या तो मैं कभी आया ही नहीं। ये मैं नहीं हुआ आई। बाबा, आसोबा, मैं कहूँ? ओ, इतनी स्टार्टिंग से। टाइम हो गया, हॉस्पिटल जाना है। समोसा, समोसा। इंटरवल में लाऊं? नहीं, अभी। जा ही रहा है तो मेरे लिए अंडा पैटिस। मतलब मैं पिक्चर नहीं देखूं? मैं स्टोरी बताऊंगा बाद में। सोसियो भी लाना, सोसियो। तेरे लिए भी सोसियो। पिक्चर शुरू होने से पहले पूछा था ना कि कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी क्यों नहीं बोला? एक अपना। अरे क्या, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी। एक चल पिक्चर देखा है तू? चुप बैठ ना। ये तू बैठ उस पर ले। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके, फ्लैशबैक में नो चीटिंग। तू बैठ उस पर ले। ये मेरी आई को गाली देता है? उधर ही रुक, आता हूं। फिर फ्यूचर से एक टर्मिनेटर आया मुझे मारने के लिए, क्योंकि व्हेन द मशीन्स टेक ओवर मैं ही आप सबको बचाता हूं। फिर आई ने
टर्मिनेटर को टर्मिनेट कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। And then we lived happily ever after. आई विश मैं कह पाता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसके बाद मुंबई के इतने दंगे और बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस थे कि चेन छोर को तो सब भूल ही गए। हाथ पैर बंधे हुए, आंखों में स्विमिंग गॉगल्स। ऐसा क्यों? मैं भी समझा सकता हूं, पर जब डॉक्टर समझाता है बेटर समझ आता है। सी मोस्ट किड्स डोंट इवन सर्वाइव पोस्ट 4 इयर्स विद कॉन्जिनेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। इट्स ए मेडिकल मिरेकल। ही इज अलाइव। एक रेयर बीमारी है, बाद में गूगल कर लेना। यू पीपल शुड बी लुकिंग हैप्पी। साहब मुझे एक नॉर्मल बच्चा चाहिए था, ये मेरे घर में मोगली पैदा हो गया है। छोड़ो उसको। उसको बगीरा बुलाता है क्या? तुम कहे को उसको मोगली बुलाता? दीदी ये देखा डॉक्टर साहब, ये मेरे ससुर है, ये इसे फिल्म में दिखा दिखा के बिगाड़ रहे हैं। उसको पेन का मतलब समझाना जरूरी है। वो समझाए बिना उठो मत, बैठे रहो, मुंह बंद करो, आग बंद करो, हाथ मत हिलाओ, पैर मत हिलाओ। रोबोट है क्यों? कंट्रोल नहीं करना है, केयर करना है। केयर पहले। वैसे यूएस में भी इस बीमारी को स्टडी कर रहे, पर इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा लगेगा ना तुम्हें, ऐसा ये तो कहने का आउच लगेगा ना, आउच आउच लगेगा ना, आउच आउच आउच। वो जो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, उन्हें क्या पता। दर्द नहीं होना कोई सुपर पावर नहीं,
एक बीमारी है। One out, two out, three out. Yes! हाथ पैर टूट जाए, सर नाक मुंह फूट जाए, कुछ पता नहीं चलता। यहां तक कि हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक, कुछ नहीं। आई फील नथिंग। आजूबा ऐसे कभी भी होने नहीं देते कि मैं अपनी कंडीशन की वजह से डर डर के जीऊं। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं अपनी बॉडी का एक एक नर्व, एक एक मसल, एक एक बोन जान चुका था। कुछ भी टूट जाए तो जोड़ लेता था, कुछ भी लोचा हो जाए हल ढूंढ लेता था। जहां मेरी उम्र के बच्चे कच्चा लिंबू से पक्का लिंबू बनने की कोशिश कर रहे थे, वहां मैं आउच को कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सुना तुझे दर्द नहीं होता? बच्चे बन के सच्चे, सारे जग के आंखों के तारे, ऐसा जिसने भी कहा होगा ना, वो साला कभी स्कूल नहीं गया होगा। हे आ ई ई ऊ ऊ ए ओ ए ई आ होता ते। डरता तो मैं शेर से भी नहीं रे, पर कॉकरोच के आगे क्या करे। कूम से इंडिया नहीं नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं आग तो ये तूफान। अरे तू क्यों रो रही है? तूने ही तो मेरी जान बचाई है। आओ। अच्छा अब ना किसी को बैट से मत मार, हाथ से मार। वैसे तो डरी डरी सी रहती थी, पर मेरे साथ कुछ गलत होता देख लेती तो बस उड़े उड़े चले चले। रपन रपे रप, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। रपन रपे रप, यू बी रेडी विद आंखों का लेजर। शराब पी जा तू। रपन रपे रप, अपने फ्रिज में तू ड्रैगन जमा। स्कूल से निकाल दिया लेकिन हमारा पीछा कोई छोड़ता ही नहीं था। फिरोजास अगेंस्ट द वर्ल्ड। सुप्री को दर्द होता था लेकिन वो आउच नहीं बोलती। मेरी सुप्री दूसरों के लिए तो फाइट कर लेती थी पर खुद के लिए कभी नहीं। ऐसा क्यों कभी समझ में नहीं आया। सुप्री अपनी आंखों के लेजर से उड़ा दे इसको। तैयारी करनी पड़ेगी, अभी ये निकालना पड़ेगा। ये पहन लीजिए। ये क्या है? ये जादू है, जैसा ड्रंकन मास्टर का वाइन, समुराई का स्वॉर्ड, जेडाई का लाइट सेबर, ब्रूसली का नानचाकू, वैसा तेरा वाटर बैग पैक। सूर्या पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और डिहाइड्रेशन हुआ तो अब क्या करना चाहिए? सूर्या बाबा ने दिया होमवर्क कंप्लीट किया? पहले सुप्री को उसके इवल बाप से तो छुड़ा लूं। देखो पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन सुप्री।
नहीं, जब आप नहीं होते, बाबा नहीं होते, तब सुप्री मेरे को प्रोटेक्ट करती है पूरी दुनिया से। बिल्कुल अपनी माँ पे गया। क्या माँ भी ऐसी थी? वो भी कुंग फू कराटे सीखती थी? फिर उन्हें किसने मारा? देख सूर्या, वो तुझे अगर सुप्री के बाप को डिफीट करना है ना, तो तुझे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी तक रेडी नहीं है। हाँ, तू बाबा ने दिया होमवर्क कंप्लीट कर, मैं तुझे सिखाऊंगा। मुझे पता है क्या करना है। लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, सारा का सारा VHS लेके जाओ, वैसे भी DVD का टाइम है। मैंने सोचा कि सारी एक्शन फिल्म्स के फाइट देख के सीख लेता हूँ, सुप्री के इविल बाप को हराने में काम आएगा ना। सूर्या, आई एम गोइंग टू गेट एंग्री नाउ। बस अजूबा, ये लास्ट है, मदर प्रॉमिस। Red man fight? Red man fight kya hota hai? वो एक पैर वाला कराटे मैन सारे फाइटर्स को नॉकआउट किए जा रहा था, धपादप धपादप। फिल्में तो सारी घिस डाली थी मैंने VHS पे, पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जब वो मारता होगा, सच में आउच होता होगा। मैं 100 man फाइटर बनना चाहता हूँ। अच्छा चलो, मैं सुप्री को बचाने जा रहा हूँ। हर माइंड ब्लोइंग कहानी के पीछे बहुत बुरे डिसीजंस होते हैं। चीन नहीं दी तो मैं तुझे मार दूंगा, जैसे उन चीन चोरों ने सूर्य की बाप को मारा था। सुप्री का बाप अब कोई नॉर्मल इविल बाप नहीं रहा, वो एक चेन चोर था। और क्योंकि मेरी आई को भी किसी एक चेन चोर ने मारा था,
मैंने और सुप्री ने कसम खा ली थी कि हम इस शहर से एक एक चिंचोर को 3 से भला 2, 2 से भला 1 करके भगा देंगे। बिल्डिंग वालों के हिसाब से मैं खूनी, दरिंदा, टेररिस्ट बन चुका था, सबके लिए डेंजर। वो कहने लगे अगर हम ये बिल्डिंग छोड़ के नहीं गए तो पुलिस को बुलाएंगे, मुझे जेल जाना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस सिचुएशन में हीरो तो मैं था, विलन कब से बन गया। तुझे कुछ फील क्यों नहीं होता है? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड मर्डर? समवन कुड हैव डाइड टुडे। मतलब आपने माँ के चेंजर को जाने दिया? मैं हर चीज में गलत हुआ शोभा? मैंने तो सुप्री को दी वो मदर प्रॉमिस भी तोड़ दिया, अब उसका क्या होगा? वो मेरा वेट कर रही होगी। देख सूर्या, पहले तू अपने बाबा का मन रख ले, फिर मदर प्रॉमिस पूरा कर। बाबा भी सही है ना? अब तुझे कुछ हो गया तो मदर प्रॉमिस वैसे ही टूट जाएगा। मतलब मैं गलत हूँ ना? तेरी उम्र में कुछ सही गलत नहीं होता,
मैं तेरी उम्र का था ना, तो मैं अंग्रेजों से लड़ना चाहता था। एक जुनून था, नेताजी से मिलना है, आईएनए ज्वाइन करनी है, अंग्रेजों को मारना है। मैं घर से भाग गया, पर बहुत ढूंढने पर भी नेताजी नहीं मिले। फिर पता चला नेताजी जापान में है। मैं जापान पहुंच गया, फिर वहां से जर्मनी गए, तो मैं जर्मनी पहुंच गया, वो भी पैदल, कभी बस पे कभी कार्गो शिप में छुपकर मैं वहां पहुंच गया। फाइनली जब मैं नेताजी से मिला, तब उन्होंने मुझे देखा, मैंने भी उन्हें देखा। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पूरी कहानी सुनी और कहा, इस गधे को कुछ खिला दो वरना ये मर जाएगा। मैंने अपने आप को देखा, बस एक हड्डियों का ढांचा बन के रह गया था। नेताजी को ढूंढने के चक्कर में मैंने अपने आप को खर्च कर दिया था, वेस्ट। अजूबा, मुझे तो लगा था मैं 100 मैन फाइटर बनूंगा, पर मैं तो 4 लोगों से हार गया। पंद्रह से 20 साल लग जाते मार्शल आर्ट सीखने में, 4-5 हफ्ते से कुछ नहीं होता। आज तू 4-5 लोगों के साथ हार गया, नो टेंशन। तू सीख, लगन से सीख, तू एक दिन कराटे मैन बन जाएगा और चेन चोर को पकड़ पाएगा। क्या चेन चोर के ज्ञान में 100 से भी ज्यादा लोग होते हैं? क्या फर्क पड़ता है, 100 हो 200 हो, तू सीख। बट सीक्रेट में सीखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोड वर्ड सुमड़ी में कोमड़ी। सुमड़ी में कोमड़ी? यस, कोड वर्ड सुमड़ी में कोमड़ी। ये लो। सूर्या, सो रहा है। बाहर जाने के लिए ना बोला था ना मैंने? अरे आ रहा हूँ। कहाँ थे आप? अरे मैं बाहर कैसे गया? मैं बता दो ना। अरे ब्लैक, अरे आप आओ तो। सूर्या ना, आओ आओ आओ। बाहर क्यों गया तू? मैंने सुनो, आई कैसे आई? डर गया। मैंने आपको बोला था ना कि आपकी ये हिप्पीगिरी और ये पॉप फिलोसॉफी सब बंद कर दीजिए आप। नहीं नहीं, उसको थोड़ा सेटल होने दो ना। सेटल? यू नो, यू लीव अस। लीव? हाँ, ये मेरा घर है। देखिए, आपको आपकी बेटी को जैसे बड़ा करना था ना आपने किया, मुझे भी वो वैसे ही पसंद थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे जीना मुमकिन नहीं है। और आज इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं है, उसको खो चुका हूं मैं। सूर्या को नहीं खोना चाहता मैं। आदमी जैसे सोचता है वैसे वो नहीं जी सकता है। कुछ कायदे कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, उसके दायरे में रह के जीना पड़ता है उसको। और सूर्या को जीना पड़ेगा, ऐसा मर जाएगा वरना। सूर्या, नेल्स काटे, वेरी गुड। सूर्या, ब्रेकफास्ट कर रहे हो? गुड। सूर्या, ज्योमेट्री टेस्ट इन 15 मिनट्स। सूर्या, वेरी गुड। आज नो मेंटेनेंस फॉर दिस मंथ। सूर्या, सो जाओ, उठो। सुबह ने कभी बताया था कि ब्रूस ली को ना ठीक से स्विमिंग आती थी, ना गाड़ी चलाना। उसकी तो आंखें भी कमजोर थी। बचपन में उसको एपिलेप्सी के दौरे भी पड़ते थे, पर उसको जो बनना था वो बना।
कराटे मैन, उनका तो एक ही पैर था, फिर भी सौ को नॉकआउट किया। मोस्टली सबका लाइफ धक्का स्टार्ट ही होता है, किसी किसी का तो पूरा ही ब्रेकडाउन, पर वो तो स्टार्ट ही है ना। आगे की कहानी तो खुद ही लिखनी पड़ती है। मैं भी अपनी आगे की कहानी लिख रहा हूं, एकदम माइंड ब्लोइंग, पर सुमड़ी में। Ninja when the lights are dim and put the floor to your face while you count to ten. I could slice you with my sign when it's entering. You'd be too busy choosing words in Mandarin. And if I play the game like a samurai, you'll be in the dust before you ask why. Just hope that you're awake when I give you a taste of 3,000 fists from a Shaolin sky. Shaolin sky. From the Parthenon, too quick to be real, a hallucination. I could flick you off like a fly on a whisker, a one-inch punch from the animal kingdom. Got a kung fu hustle, I got a five-point punch. I could eat all your katas on a Sunday brunch. When I play my Gusheng, you only think a 3,000 fists from the Wu-Tang. से ज्यादा जरूरी अब लाइफ में सहेली है। सहेली, नॉट ब्रूस ली। एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे ये चाहिए। चिप। ये देखो। चिप। अशोभा प्लीज। जो खेलते रहेगा। अब बड़ा हो गया तू, उड़ जा। क्या शी? ये शी बोलने वाले 15-15 बच्चों पैदा करते हैं फटाफट। हाँ हाँ एकदम। आप बिना एक वन वन स्टेशन वाइन कहाँ जा रहा है? गाड़ी चलाने। हाँ बार जाता है टॉयलेट, गाड़ी जोर से चल रही है, वो सियाना हो गया अभी, उसे बाहर की दुनिया देखने दो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। गाड़ी जोर से चल रही है, शुमैकर। हाँ अभी आपको तो पता है। अच्छा है। उसको सूर्या से मिलना है, वो सर खा चुकी है मेरा। तो मिला दो। अरे उसको कैसा लगेगा? इतने साल मैंने उसको घर में बंद रखा और मैं वहां। डोंट यू थिंक ही विल बी? आई डोंट नो। बता दो, समझ जाएगा। पर कैसे समझाऊं? ए सूर्या, तेरी सोते नहीं माँ के बारे में बात कर रहा है। अरे क्या क्या क्यों क्यों ये क्यों क्यों कर रही है? ए सिंपल है,
उसको बोलना मियाँ बीवराज जी तो क्या करेंगे सूर्या जी? हाँ, आपको लगता है कि सूर्या उसको बताएगा कि ही हैज हैड अ वेरी गुड लाइफ? यस यस यस। सच बताना, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। आपको भी पता है सर्कमस्टेंसेस कैसे थे। यस, यू डोंट टेक टेंशन, चिल चिल। यू नो आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म। नो प्रॉब्लम, यू आर फाइन, नो प्रॉब्लम। बाबा वो कल वो मार्केट जाना है। तुझे जो भी पसंद हो, जूते कपड़े जो लेना है ले लेना। कल आप जाओगे ना, वर्ड्स आप अच्छे यूज करना। वो मदर लाइक मदर, कंपेनियन फॉर योर फादर, वो रोमांस अफेयर्स, ऐसे वो वर्ड्स मत यूज करना। क्या बच्चे के दिमाग पे बुरा असर होता है। I know. मैं उसको बोलूंगा योर फादर नीड्स सेक्स। वो ऐसा मैं समझे कि आई एम अ पैरानॉइड मैन। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पर फिर भी ये ड्रीम है या रियल, ये चेक करने के लिए मुझे पिंच करके देखना चाहिए या बाइट करके, पर इससे मुझे क्या फील होगा? आई थिंक आई शुड लेट ग्रेविटी डिसाइड। ड्रीम नहीं है, रियल है। हेलो। हाँ तुल, वो लीविंग सर्टिफिकेट लेने आई थी, बताया था ना। सॉरी, नहीं नहीं, जल्दी घर आ जाऊंगे। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ पर मुझे भी आना है। सब अरे कोई टेंशन नहीं, दोस्त है हमारी, ज्यादा पी लिए ना, हॉस्पिटल लेके जा रहा है। नाम क्या है इसका? शिवांगी, शिवांगी नाम है इसका। एनी प्रॉब्लम? हॉस्पिटल जाना है, चलो। अरे थोड़ा सा अंदर जाना है, मैं अंदर नहीं आ सक रहा। तू कैसा? सेवन सीटर नहीं है, छुपाया रहेगा। मेरे को क्या मालूम। बाहर आओ रे बाबा। कीज चेक कर। चाबी ढूंढनी है, लिपस्टिक नहीं। नखरे वाले
वाली देखने में देख लो कैसी भोली भाली छोरियां दिल पे डाले डोरियां अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में चाबी दे बेरहम बेवफा अपना कुछ पता पता बता तो दे बेरहम बेकली बेबसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे बेरहम तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में पता बता तो दे ओ बेरहम बेकली बेबसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में सॉरी वी आर लेट दीदी मैं आती अजोबा सूर्या वो मैं उसको जब भी फर्स्ट टाइम मिला था ना मेरे को नहीं सुनने का अच्छी जतिन मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में बताया था बट इट्स सो हार्ड टू बिलीव आर यू ओके अरे अरे क्या करे तू मेरी बंद आंखों में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क तो रहने दे ख्वाबों में भी चुप चुप के जख्म मेरे बड़े राग गाते कई सुन सुन के थक गया मैं थैंक गॉड तुम आ गई मरम दुआ दवा दारू रखना दूर तू ही पानी रुकने वाली नहीं आना तेरी मर्जी का पानी रुका रुका हो तो पत्थर सब फेंके कैसा है
सो लफ्ज निकालो नए हिस्सा जो अब तक रहा गुमशुदा है वो किस्मत क्या ढूंढे ओ नखरे वाली ये बाबा कुछ पूछेंगे तो संभाल लेना मैं जा रहा हूं सुमड़ी में कुमड़ी वैसे तो मुझे वहां जाते ही बोलना चाहिए था मास्टर सेंसे कराटे मैन मैं बचपन से आपका फैन पर पता नहीं क्यों बार बार यही पूछने को मन कर रहा था मास्टर वो जो लड़की पोस्टर चिपका रही थी वो कहाँ है पूरा पेंट है रे खून किधर है कौन रुक रहा ये पाब्लो ओ क्या हॉस्पिटल से मेरे को चक्कर आते मैं निकल रहा हूँ चक्कर आता है मतलब चक्कर नहीं सुप्री चक्कर तू रुक रहा सुन प्लीज रुक जाओ ठीक है मैं रुक जाता हूँ क्या रुक जाता हूँ क्या रुक जाता हूँ अरे इतनी कंसर्न है तू खुद रुक जाए हाँ इशारा तुझे करेगी देखेगी किसी और को जाएगी किसी और के साथ आई नो दिस सिंस आई वाज दिस ओके बाय तुझे मालूम है ये कैसा है प्लीज 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 छोड़ दे उसे प्लीज क्या फाइटिंग कर रहे हो तुम लोग निकलो इधर से तुझे पता है वो कैसा है यार वो ऐसे ही बात करता है प्लीज छोड़ दे उसे मैंने पहले ही बोला
मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मदर प्रॉमिस। वो एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आए थे लास्ट टाइम डिनर पे, इसलिए लेट हो गए। तुझे पता है ये क्या? Your mother's medicines, your father's medicines, cost me a bomb every month. You know that? Atul, I'm sorry. वो emergency थी इसलिए मैं यहाँ पर आए थे. You know I've left everything. Supreme, no? Please, झूठ मत बोल. I just don't like it. Sorry. Enough of this. Atul, just one second. Just listen to me, ma'am. तेरे लिए मेरे जो कदम दो. आगे बढ़े तेरी तरफ तो तूने मेरा चेहरा तेरे पैर पीछे चल दिए तो आंखों के लेजर से मास्क उड़ा देना उसे चल दिए मेरे पैर पीछे देखा तुझे जो यूं ही हंसते तो सौ सौ बहाने खुद ही को सुनाने भूल लिए माना तेरा जहां अब तो है बस धुआं धुआं मेरा भी तो नीला कहां है आसमां चल सकते खुद से हाँ। नहीं रुको मैं वार्ड बॉय को भेजती हूँ मेरे पास पैसा नहीं है मेरे को कोई तो लाया होगा ना इधर उसको जाके पूछ तुम लोग इधर फालतू में दो हफ्ता रखेगा फिर बोलेगा स्कैन करना है इधर ब्लॉक उधर ब्लॉक एक लिवर खराब है ऐसा सब मेरे को फालतू में फंसाएगा मेरे को मैं ठीक हूँ मेरे को जान दे ए बॉस मैं ठीक हो गया मेरे को जान देना आपको विटामिन सी की जरूरत है मास्टर नहीं सेंसेई शिफू कराटे मैन It would be an honor to be a part of your 100-man kumite. Hey, udhar khada ho. Chalo re. Chhodo na boss. Jaan do. Hey, kya ja rahe ho tu? Hey, tu nikal. Hey, tu kya leke ja raha hai? Kuch bhi to nahi leke ja raha hai. Ye 4 rupaye ka bandage ke liye tum log itna sara log aaye kya? Hey, jana, pakadna.
इसके पहले कि कराटे मैन जाने कि सूर्या कौन है, आई थिंक कराटे मैन कौन है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Hello, mic testing. Hello. 3, 2, 1. The story starts now. Once upon a time, one fellow Mani and his twin thambi Jimmy. And then what happened? Check it out. लाइफ में फेयर चांस किसका होता है, जिसको जो मिले वो उसका होता है। कराटे मणि जिम्मी बिकम नहीं, एक डन एक ब्रूस ली का होता है। गुड का ग्रोवर बैड का ग्रोवर, लाइफ में फेयर चांस किसका। माइकल खाली हेड मांगे तू, बचपन से माइकल जिम्मी की साइकिल पे मणि को ही राइड देता आ रहा क्यों। पूछे जमाना आंसर पुराना, लाइफ में फेयर चांस किसका सलड़ा। एक रात में फुल संतुलन हिल गया, संस्कारी टंगड़ी वाला मणि किधर गया। जिम्मी की बंदी मणि की गलती, गलती ने सारा गेम ही पलट दिया। जिम्मी का व्यंजन मणि पे व्यंजन, लाइफ में फेयर चांस किसका। कराटे मैन की गिल्ट ने उसको बनाया एक क्लीशे ड्रंक कराटे मास्टर, और जिमी के गुस्से ने उसे बनाया एक क्लीशे साइकोटिक विलेन। और उसके बाद जिमी मनी से जब भी मिला उससे कुछ ना कुछ लेके गया, और कुछ नहीं तो इज्जत। आप बड़ी सोले। से सिगरेट भी ना छोड़ा, ऐसे खा खा के पूरा ओवर ईटिंग हो गया। सोडा पी पी के देखो अलग टाइट हो गया। इधर एरिया में बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए तू 100 मैन फाइट करके, फेसबुक पेज भी किया 22 लाइक, मैं भी लाइक किया। तू इधर छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया तो मैं आके फोड़ के जाता है। इतना बड़ा इवेंट करने का कैसा सोचा तू? अब आज होता तो 80 का हो जाता। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये सोचा, करने देना। इधर मुंबई में कहावत है, नजर गुल तो गोटी गुल। थोड़ा सा मैं इधर उधर क्या देखा, तू इतना बड़ा बात सोच लिया। अरे मैं अपने लिए नहीं कर रहा है, अप्पा के लिए कर रहा है ना। इनफैक्ट मैं तेरे पास भी आने वाला था डोनेशन के लिए। अच्छी कैसा आदमी है, थोड़ा ईगो रखना। किधर है वो तेरा वो टाइट लड़की, किधर है वो? एक ही इधर कड़क आइटम, बाकी सब नहीं। वो इधर नहीं है, मैंने उसको बोला इधर नहीं आने का करके। तू उसको छोड़ना, तू उसको कुछ मत कर। ए पीटी मास्टर, तेरा परमिशन लेने का जरूरत नहीं है मेरे को, किसको मारने का किसको छोड़ने का करके। तू मेरा परमिशन लिया था क्या मेरा गर्लफ्रेंड के साथ सोने के टाइम? रुको प्लीज। अरे सुनना, ये लोग 1 महीने का फ्री ट्रायल के लिए आएंगे, तू मारेगा तो अगले महीने से नहीं आएंगे। तू काली मेरे को मार के जाना। अयो अयो फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। एक सेकंड
आपने कहा था दिन में 3 बार सिगरेट मांगे तो थप्पड़ मार दूं। एयरपोर्ट के बाद आते फिर लंच के बाद फिर अभी एयरपोर्ट का बार तो चिंगम मांगा था। इरिटेट कर रहा है इसको, निकालो बाहर। मेरे को ऐसा या ऐसा नहीं मर सकता है। I want to die legend. 100 man fight ka baad. Sorry boss. You know 100 man ko mete. Dekha hai maine aapka 100 man fight. Matlab video cassette pe dekha hai. Video re bare. Eh tu 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 wo cassette mere ko de na. Wo mera coffee gym mein ne tod diya. Tu dega na? Actually na pura ghis chuka hai. Like me. Par aap to karate man ho yaar. आप 100 मैन को डिफीट कर सकते हो तो ये जिमी से क्यों मार खाते हो? बचपन में मेरा बेटी मेरे को कराटे मैन ऐसा ऐसा बोला थी। आपकी डॉटर है? रोड पे मिली थी मेरे को। आपकी डॉटर आपको रोड पे मिली थी? ए सुप्री, तुझे पता था ना वो मैं था? शायद। फिर क्यों नहीं बताया तुझे? नहीं तो मिलना था तुझसे। क्यों नहीं मिलना था? तेरी मर्जी है क्या कि जब चाहे गायब हो जाएगा जब चाहे मिल जाएगा? तुझे आइडिया भी है कि मैंने इतने इयर्स कैसे निकाले? अरे आई वाज ओनली थिंकिंग अबाउट यू। फिर काम कर, अभी भी वही कर, सोचता रह। अरे अब तो मिल गई ना तू? या मैं जा रही? सो रहा हूँ। जा रही है मतलब? तू जाना यार। अरे अब मैं क्यों जाऊँ? तू थोड़ी देर चुप करेगा? हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? तू मुझे जाने की बोल रही है कि खुद जा रही है? ठीक से बताना। सूरज चुप कर यार, इरिटेट मत कर। ए इंस्पेक्टर कुमार, तीन से भला दो से भला। यार तू मतलब यार कराटे मैन से पर्सनल ट्रेनिंग ले? कोई कराटे मैन नहीं है, बस मास्टर मनी है। अच्छा आदमी है, मतलब है। वो कराटे मैन है असली वाला। क्या बोल रही है तू, इतना कैजुअली क्यों ले रही है? इतने सारे क्वेश्चंस है तेरे लिए यार सुप्री, मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे पूछने तो दे। तेरे डैड है? मॉम? और वो लड़का? सूर्य, मैं जा रही हूँ। कहाँ? कनाडा। वो ऑल टाइम उदास लड़के के साथ? हाँ। ओ ATUL अतुल। मेरे पास ना 12 साल के अपडेट का बैंडविड्थ नहीं है। वो जैसे तुझे खींच के लेके जा रहा था ना, इतना गुस्सा आया कि मन किया कि लेजर मार के चला के राख कर दो उसे। तू अभी भी वही बातें करता है? सूर्य ग्रो अप। क्या ग्रो अप? क्या ग्रो अप? तू 2 बार मुझे पटक पटक के मार सकती है, पर वो तुझे ऐसे ट्रीट करे तो चलता है?
क्या सुप्री, सब सेम ही तो है। तेरा हाथ पकड़ के खींच के कोई लेके जा रहा है और तू कुछ कर रही भी नहीं है। तू क्यों वापस आया? मैं आया क्यों सुप्री? सुप्री रुला मत यार, आंसू आएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट सूर्य, ये जो तू बोल रहा है ना उससे आई एम नॉट गोना डिस्कवर द रियल मी, ओके? मैं जा रही हूँ एंड हमारा कोई एयरपोर्ट का सीन नहीं होने वाला है, प्लीज गेट दैट स्ट्रेट। तो कराटे मान को क्यों नहीं बताया तूने? उन्हें पता है यार, मुझे मना किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे आने से, अभी उठेंगे तो चिल्लाएंगे। क्यों? जिमी के डर से? और तू डर गई तो ये पोस्टर क्यों चिपका रही थी? सुप्री, सुप्री, कराटे मैन का लॉकेट चुरा के भाग गया कोई मतलब नहीं, उनका 100 मैन फाइट का सपना टूट गया कोई मतलब नहीं तुझे। अरे हम लोग तो चेन चोर को पकड़ने निकले थे ना, एक चेन चोर साथ। सुरे तू पागल हो गया क्या, क्या बोले जा रहे हैं? तो उस लड़की के लिए क्यों लड़ी थी? That was different. How is it different? डरती है तू? क्या हम स्कूल में है क्या कि डरती डरती खेल रहा है तू? यही होता है लाइफ में, लाइफ ऐसी होती है। बाकी ना ही मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ही मेरे पास कोई आंसर्स है, I'm sorry. यार नॉर्मल बनने के चक्कर में ना मैं एक और चेन चोर को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए तू तो है अभी भी कहानी उस बचपन की, सजा के रखा है खिलौना तेरा सदा के लिए। ए नरम नाना पटेकर बोल रहे ना, वो जा रहे करके, जाने दो ना उसको, चल भाग यहां से। जब पेपर में पढ़ोगे ना, नाकापोश निंजा ने मुंबई के क्राइम को राख कर दिया है। मेरे को राख मत दिला, सामी डे साबंग टू पोड़ने। सदा के लिए लगता है भारी, क्या मैं करूं कि ये है बीमारी, फिर भी तेरी आंखें इस दिल में है झांकी, धीरे धीरे है। जहाँ है ये अब सुना सुना, मेरा भी तो है थका कारवां। As per Canadian Child Benefit Program, families with children under the age group of 6 will receive as much as $6,400 per child per year. Aur suno, for kids between 6 and 17, kahan ja rahi ho? Accident hua, main aa rahi hu, ek second. Have your food first. Have your food. Tumhe ye sab kyun dikhta hai? Supreet Kai ko sabko pareshan karti hai. अतुल फी फील लाइक ना, दो चढ़ाके थे इसके मुंह पे, इसको मैंने बचपन में ऐसे ठीक किया है। खाना खा। सुप्री, तो ये सब क्यों कर रही है? शटाप है, माँ को शटाप बोल सकती है? आपने बोला क्या शटाप इतने साल अपने पति को? जब उनके हाथ पैर ठीक थे तो उनसे मार खाए, जब हाथ पैर ठीक नहीं थे उनकी देखभाल की, उन्हें खड़ा होना लायक बनाया। क्यों? मदर इंडिया क्या आप ही बन सकते हो? अरे अरे मेरी बात और थी, वो जमाना गुजर गया बेटा, तुम थोड़ा सेल्फिश हो सकती हो सच में। देख तू भाग जा, पता नहीं चलेगा बाद में कि कहाँ रुकना है और कहाँ रुकना है। चल चलो ना, दो राउंड और है अभी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना क्या है यार, चलो। माँ मैं कुछ कमाती नहीं हूँ और ये भी नहीं पता कि लाइफ के साथ क्या करना है। चलो
वो तो दूर की बात है, बट पैसे तो अब चाहिए ना। अभी चाहिए कि नहीं चाहिए पैसे? आपको पता है मेरी एज के लोग कितने स्मार्ट होते हैं। Everybody knows what they want to do with their lives and I have no idea. मुझे अब ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, आई डोंट हैव एनी क्लू, आई एम ब्लैंक। एवरीबडी नोज, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई ऐप बना रहा है, बट और मे बी आई एम जस्ट डम, आई डोंट नो। मॉम, मैं कुछ नहीं हूँ। तू तो दादी अम्मा है ना, 21 साल की है, पूरी जिंदगी पड़ी अभी आगे, चल। आपको पता है 21 साल में लोग मिलियनेयर बन जाते हैं। तो क्या हुआ? That too from scratch, okay? That too from scratch. मतलब मेरी उम्र के लोगों के 20 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर पर। छी। वो ये देखा, वो लुक पूरा आयरन मैन वाला लुक है ये। इसने डिसाइड किया है, देखा गूगल से सब दाढ़ी ऐसा है। पहले मैंने जॉनी डेप का सोचा था। सूर्या तू क्या, वो सचमुच वो मास्क वास पहन के जाने वाला है? या तू फालतू मजाक मत कर मेरे साथ। I don't like it. क्या हुआ, आप एक्साइटेड नहीं हो? डर गए क्या? नहीं नहीं, काय को डरूंगा। जब डॉक्टर बोला कि तू 4 साल से ऊपर नहीं जाएगा, तब मैं डरा था। आप क्या घंट डरूंगा काय को? आ गया नंबर आ गया। अरे सूर्या आ जाओ बस, आ गया नंबर आ गया। वो कराटे मनी का लॉकेट तो उसके भाई ने चुराया ना, तो उन लोग दोनों भाई लोग ऐसा हैंडल करेंगे ना। तू क्या कुछ फालतू में एक्साइट हो रहा है? कम ऑन, लेट देम हैंडल इट। मतलब आप तो नेताजी के साथ देश के लिए लड़ने वाले थे ना? नहीं, वो नेताजी को मेरा वो पर्सनल है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है। हाँ अलग। हाँ माँ के चेन छोर को भी आपने ये बोल के छोड़ दिया था क्या? अलग, ये अलग है और वो अलग है। अरे सूर्या आ जाओ, आप इधर वहां क्या कर रहे हो? आ जाओ इधर, आ गया नंबर आ गया। भाई मेरे साथ लेना, मैं भी फॉरेनर ही हूं। आई एम जतिन स्टार्क, लेना ले। तेरा फोकस क्या है? तेरा फोकस क्या है? तेरे को कराटे मैन बनना, बनना मास्टर बन जा, ग्रैंड मास्टर सूर्या सिखा। तू तेरी डॉक्यूमेंट्री बना, लोगों को दिखा, एडवेंचरस बन, एडवेंचरस। जर्मनी जा, जापान जा। अजूबा आप 1941 में पैदा हुए, नेताजी 1945 में चल बसे, एटलीस्ट ऑफिशियली। तो 4 साल की उम्र में आप जापान जर्मनी सब जगह घूमने गए? नहीं ना, मैं डफर नहीं हूं। आपके लिए वो कहानी हो सकती है, मेरे लिए तो वो फैक्ट थी। आप हमेशा कहते थे ना, हर माइंड ब्लोइंग लाइफ के पीछे कुछ बहुत बुरे डिसीजंस होते हैं। मैंने कब कहा? अरे आप ही ने तो कहा था। साला मैं बोलता बहुत हूं। सही बोलते हो। तेरे को बोला था ना कि वो सुप्री इधर दिखने को नहीं मांगता है करके, फिर कैसा आई वो इधर? कौन बोला उसको मैं 100 मैन का फाइट कर रहा करके? कौन बोला उसको? वो तेरा सब खबर रखती है, सब मालूम है उसको। तो पागल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कहीं पे भी पहले 4 सालों में
ये नहीं दिखाना है कि हम $25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। थोड़ा रिस्ट्रेंट तो रखना होगा। तोड़ दिया क्या? किसका वेट कर रहा हूँ? अरे एटलीस्ट 20 पीपल आएंगे तो एक फॉर्मेलिटी के लिए छोटा सा इवेंट कर सकता हूँ। 20 लो आएगा। हेलो हिंदी का शेज उतारो। सॉरी एक्सक्यूज मी मैम। गो गो कॉलिंग यू। गो गो गो। तो रहेगा ना जब मेरे को बेरी करेंगे? रहूंगा ना, मैं ही तो करूंगा तेरा वो सब कुछ है। अच्छा वो जिम्मी का हाथ पैर जोड़ के प्लीज मेरा लॉकेट वापस ले आना। तो जब मेरे को कॉफिन में डालेंगे तो मेरा गले में पहना देना। तो ऊपर जाके अप्पा को मिलूंगा तो कुछ तो बचा के रखा करके फीलिंग रहेगा ना। इतना महंगा है क्या वो? एक डुप्लीकेट बना लेते ना, असली दिखने वाला, पापा भी खुश। कोई आया लगता है? ओए पीछे वाला दरवाजे से आ जा। ये तो शुरू कर ले तू। देखा है किधर? अपना सस्ता फैन था रे। चलो चलो लॉकेट लेके आते हैं। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। जिम्मी का एड्रेस दे दो। दे दो ठीक है, खुद ही ढूंढ लूंगा। அப்படி சொல்ல Security services. Our security service has hand-picked fighters from Vietnam. We have boxers from Rome. We have all 100% genuine fighters. Very flexible. My fighters, they move like a cat. They listen like a dog. They pull like a bull. They think like a fox and they attack like a tiger. We have really deadly fighters from North Korea, Georgia. बचपन में सर पे जोर का लगा था तेरे को? All different parts of India and world. या कुछ ऐसा medical issue? कुछ तो प्रॉब्लम है ना तेरे को? सुप्रीत भाग जा। ओके सीरियसली देख, तुझे इस बात का टेंशन है ना कि अगर तू नहीं होगी तो अतुल मेरी ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, है ना? क्या? हाँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज। सुप्रीत ये बेस्ट टाइम है भागने का। देख अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग अनाउंस होगी ना, हम लोग अंदर जाएंगे, तू निकल जाना। निकल जाना? क्या बोलते रहते हो, मेरे को तंग मत करो। चुप करो, मेरी बात सुन। हम लोग अंदर जाएंगे ना, अगर किसी ने पूछा कि सुप्री कहाँ है तो मैं कह दूंगी तू टॉयलेट में है, ठीक है? टॉयलेट फिर टेक ऑफ हो जाएगा और हम लोग कनाडा पहुंच जाएंगे। क्या बोले? सुन मेरी बात ना, अगर हम लोग कनाडा पहुंच गए ना तो मैं इंसुलिन चढ़ा लूंगी, एक बड़ा सा डोज। इंसुलिन मेरे पास है, इंसुलिन। बात सुन पूरी, एक बार मैंने इंसुलिन चढ़ा ली ना तो शुगर लेवल ढप से नीचे आ जाएगा, एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल जाना पड़ेगा। अस्पताल पहुंच गए तो ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी, मैंने सब फिगर आउट कर लिया। सुप्री तू टेंशन मत ले। क्या है यार? क्या सुप्री? तो मुझसे पूछती रहती है ना कि मैं उस आदमी की क्यों सेवा करती हूँ जो मुझे मारता था। मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ। ये पति परमेश्वर वाला सिस्टम मैं नहीं मानती, लेकिन दिमाग में ऐसा घुसा दिया गया है कि
और मैं मदर इंडिया नहीं बन रही हूँ, मैं ऐसी हूँ। समझ में आएगा? इंसुलिन का बड़ा डोज ले लूंगी, ये सब करूंगी। एक सेकंड, आराम से, आराम से। सुनना, नाइट वॉचमैन का एक स्पॉट खाली है, जॉब मांगते तो कर ले। लॉकेट वापस दे। और तेरे साइड में कौन है? सूर्या। मुंबई में मंकी कैप पर स्वेटर पहनने वालों को मैं मुंह नहीं रखता, चला हट। अरे मंकी कैप नहीं है, आप बोलो ना ये मंकी। तू क्यों ऐसा मेरा फीलिंग्स के साथ तू ऐसा क्यों खेल रहा है? तू अप्पा का लॉकेट में, अप्पा ने मेरे को दिया ना। वो है ना, तू कमल फैन है तो इसलिए ऐसा रोता है, ऐसा दाढ़ी वाड़ी बड़ा के। तू रजनी फैन होता मेरे को नहीं दिया, मेरे को दिया ना ऐसा, मेरे को सबके सामने ऐसा ह्यूमिलेट क्यों कर रहा है तेरे को? सुप्री इतना मत सोच, ज्यादा सोचेगी तो प्लान में लॉजिक नजर आने लगेगा। कन्वेंस कम से सी से तो लिखना के। अच्छा तू बता कन्वेंस का स्पेलिंग बता। चल बता। पांच बार कन्वेंस का फॉर्म भर चुका हूं। ये उसको छोड़ रहे हो? मुझे नहीं मेरा फॉर्म भर देना। बोल कन्वेंस का स्पेलिंग मैंने नहीं किया, इन लोगों ने किया। ए व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस यार, गेट आउट। ये अंदर फाइटिंग कर की फर्नीचर देने का नहीं, वहां से पहले ही बोला था। ब्लड आउच। यूजलेस फेलो।
मुझे गन दो। नहीं मिलेगी गन। देना अप्रूवल है तो गन दे। ऑथोराइजेशन है प्लीज गन दो। नो ए चल चल तू मान गया मैं बहुत अच्छा फाइट रही तू चल अभी चल। आप चार में चल जाए सर। 20-25 लाख की तोड़फोड़ कर रहा है। बाकी लोगों को तो मैंने मार के भगा दिया है। दो ही लोग हैं। बहुत डेंजरस हैं। देखो ना मामा गन नहीं दे रहे। मामा 20-25 लोग थे आपने गन क्यों नहीं दिया? सिर्फ दो लंगड़ा मनी और छोटा बच्चा। मामा की मी द गन वेंडर रजिस्ट्रेशन और एडवांस चेक। Mama, cut that please. Fill the form and take it. Page 33, article TXH-1138-4EB. Give me the gun. Okay, you're right. Honda to superstar. होगा तू सुपरस्टार। ओ तू जानदा मेरा तो कौन लंबा कोट ना लंबी कार उठे पासे हाहाकार काली जादे तक गए बार कितोगा तू सुपरस्टार। होगा तू सुपरस्टार। मेरे तना मिस नहीं करता। छोटा सा है ना तू सुपरस्टार। जिथों का तू सुपरस्टार। मेरा प्यो कौन है? अरे लिफ जा। सर लिफ्ट बंद हो गया है। फायर एग्जिट उधर है। तेरे लिए मैंने दो कदम जो रख लिए तेरी तरफ तो तू आए या ना आए
मैंने ये बाहें खोल दी है। इसके पहले कि मैं फिर से हिले डुले मातमा धुले बन जाऊं, सोचा कि फाइट के पहले पानी पी लेता हूं। सुप्री वाज शॉक्ड, पर इस आदमी ने वाटर ब्रेक का सबसे माइंड ब्लोइंग फायदा उठाया। कितों दा तू सुपरस्टार ओ तू जानदा है मेरा प्यो कौन है? लंबा कोट ना लंबी कार, पुठे पासे हाहाकार, खाली जांदे तक गए बार, कितों दा तू सुपरस्टार। फिर हमने एक स्पोर्ट्स कार रेंट किया और हम खंडाला चले गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, हम रेंग रेंग के नीचे उतरे, एक ट्रक पे चढ़े और वहां से भाग गए। ए, शूटर, जिमी और पुलिस दोनों हमारे पीछे होंगे। जिमी पुलिस के पास नहीं जाएगा, वो खुद आएगा हमें पकड़ने। तो हम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? पुलिस के पास जाके क्या कंप्लेन करेंगे, वो ऑफिस हम लोग जलाया करके। तो हम लोग भाग ही क्यों रहे? लॉकर तो उसके पास है ना, लेट्स गो गेट हिम। ए माटुंगा के फिरोजगंज, लेट्स गो गेट हिम। मेरे को पूरा स्टफ कल मेरा सामने चाहिए इधर, जो मेरे को दिखानी वो किसी को भी नहीं दिखना चाहिए। ये मिस नहीं करेगा ना तू?
स्वामी मेरे को बिलीव नहीं होता कि मेरे भाई ने ये सब किया करके. अब मार सकते हैं उसको, मैं मरेगा उसको. ए तू बीच में मत आना, मैं मारूंगा उसको. अरे नहीं बस मैं फोन रख रहा है बस. हाँ तू रोना बंद कर, मैं रख रहा है फोन, मैं ऑफ कर रहा है फोन. बाय बाय. अरे वो रो रहा है हमको छोड़ के गया करके, वो पाब्लो ऐसे फोन पे रो रहा है. मैसेज क्यों किया? ऑटोमेटिकली गया. मन का लाइफ रियल हो गया, मजा आ गया. बचपन में ये कराटे मैन के चक्कर में तूने एक आदमी को बिल्डिंग के टेरेस से लात मार दिया था, अब पूरा बिल्डिंग ही जला दिया. देखो भाऊ, वो तुमको मिले बगैर ना तुम्हारा बहुत इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे एकदम. छोड़ो भाई ये सब यार. क्या बाबा को क्या बोला आपने? बाबा को क्या, बहिंगन बोला. ये ले तेरा बाबा कराटे खेल रहा है नंदिनी के साथ. चल नाटक करता चला. और तू आंखों से लेजर चलाना सीख गई? आपको क्या लगता है वो जिम्मी की बिल्डिंग में आग कैसे लगी? ये सुप्री कहा ला दिया? अजो मैंने बोला ऊपर जाके सो जाओ. अरे पर नीचे इतनी जगह है ना, तू चल ना. ये सुप्री तो कराटे मान को कैसे मिली? रोड पे यार, बताया तो. और वो अतुल को? मॉल में, वहीं पे एक सिंगिंग कंपटीशन चल रहा था तो बस वहीं पे गाना गा दिया मेरे लिए. फाइन, जज मी. हाँ तो क्या? ऐसा क्या गा दिया उसने? ओ चाहा तो बहुत. कहा क्या दिया यार, मतलब खरीद लिया. घर आया, माँ बाबा से मिला, धीरे धीरे करके खर्च उठाने लगा. बेटा वो बन गया, बहू मैं अपने ही घर में. और वैसे भी माँ भी छोड़ना क्या. अब माय लाइफ इज. तो ये सब मेरी वजह से? नहीं सर, आपकी वजह से थोड़ी, मेरी वजह से. तूने बोला था ना कि मेरे में इतनी ज्यादा सुपर पावर है तेरे से 10-100 टाइम ज्यादा. तूने बोला सुप्री जंप, सुप्री जंप एंड सुप्री जंप. ये तो पुरानी वाली सुप्री है. सूर्य कसम से, अगर इस बार हम बच के निकल गए ना तो तू जो कहते है ना कि सारे चीन चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे, कसम से वो करेंगे. प्रॉमिस. अरे मदर प्रॉमिस. इधर आ जाना शिफ्ट. तो अब सीन ऐसा है कि लाइफ हो गई घचकन, मतलब खुजली करने में बड़ा मजा आ रहा है और दर्द भी हो रही है. मुझे खुजली भी नहीं होती. तुझे पता है तू क्या मिस कर रहा है लाइफ में? मतलब पहले ना जब हो रही होती है ना तो ऐसे मचल जाते हो, तुम ऐसे मछली की तरह तड़पाने लगते हो. फिर जब तुम्हें सही पॉइंट मिल जाता है तो तुम्हें लगता है कि मतलब एक बार पिट में कुछ करना. कैसे? ऐसे करना, थोड़ा थोड़ा सा करना, थोड़ा लेफ्ट 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 लेफ्ट, नीचे थोड़ा सा नीचे. तूने 12 साल क्या किया? वो मैं सोचता था कि बचपन में ना हम लोग पास तो विंग्स होते हैं ना, तो बड़े होके ऐसे रेंग रेंग के क्यों जीते? प्लीज यार, अभी रूमी रूमी करके पका मत मुझे अभी, तो प्लीज अभी मूड नहीं है मेरा. तो रूमी कौन है? थैंक गॉड तुझे नहीं पता कि रूमी कौन है. मतलब आजकल लोग ऐसे आज कर देते ना उसके भी नीचे. भाई रूमी ये कौन लोग है भाई? सब है. ऐसा बोलता क्या था वो?
वो बोलता था कि सूर्या इस पल के बाद तू पुरुष ही नहीं महापुरुष बनने वाला है महापुरुष In a very silent way, through the games we lovers play, you have found a way to reach out with your song. Drown me in a shade of blue, for I can't imagine you. मुझे orgasms होते हैं. Between the leaves all flying through the मतलब दर्द नहीं होता. बाकी सब होता है तो हीरो है तू भागी नहीं वो लोग बोल रहे थे ऐसे 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 तू भागी नहीं इंप्रेसिव हां लेकिन तेरी वजह से ना पूरा टूर्नामेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे को दोबारा से बोलना पड़ेगा ना तेरे लिए तू लेट आई ना तो टूर्नामेंट क्या है ऑल अगेंस्ट वन और सबसे पहला चांस किसका खर्रा ठिमणी क्योंकि तू मेरा भाई है ना इसलिए जा अपने अप्पा का हैप्पी बर्थडे वाला ड्रीम भी पूरा कर ले 100 नहीं है 20 से काम चला ले चल कौन है इसको को पैर को कौन है ऐसे टेप से बांधे एक पैर को कौन टेप से बांधा जीनियस ये गिरेगा तो तू जाएगी नेक्स्ट नंबर टू तू गिरेगी ये जाएगा नंबर थ्री ये गिरेगा सीनियर सिटीजन नंबर फोर क्यों अंकल फाइट करेगा ना अगर स्टाफ जीत गया तो उनकी नौकरी तो नहीं बचेगी लेकिन उनका जान बचाएगा ऐसा डील है और मैं टूर्नामेंट का रेफरी ठीक है रेफरी जो बोलेगा वो फाइनल है वो मानना पड़ेगा ठीक है ओके चलो ओके रेडी स्टार्ट ए ए चुप इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है रेजिडेंशियल है रे चुप चुप बैठो आराम से फाइट करो ना और पहले जाके उसका हाथ पैर खोलो और बीच में खड़ा करो कुछ टूर्नामेंट का कुछ अरे सेट करो ना जाओ फिर विद्या भवन रॉयल रंबल स्टार्ट हुआ जैसे जिमी ने कहा था राउंड वन कराटे मैन और कराटे मैन के नॉकआउट होने पर राउंड टू सुप्री क्योंकि मैं राउंड थ्री में था तो काफी टाइम बेंच पे बैठे बैठे मैं रुमाल चबा रहा था मन तो बहुत किया कि गेम में घुस के सबको तोड़ फोड़ के रख दो और तब एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आया इंसान ना हमेशा साइलेंस में पाट के पकड़ा जाता है कितना भी उसको आवाज से छुपाने का कोशिश करे वही टाइम पे पूरा दुनिया साइलेंट हो जाता है कैसा मालूम नहीं इट इज लाइक ए लॉ तुम लोग भी ऐसा कुछ स्टूपिड ट्राई नहीं करने का है पकड़ लेगा मैं और ये टूर्नामेंट का लाइन क्रॉस करके बाहर नहीं जाने का किया तो ये सीनियर सिटीजन नो मोर हो जाएगा नो मोर मतलब क्या ए चुप रहो ना थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है मेरे को
बट आउट ऑफ नो वेयर ये भी पार्ट लेने आ गया, पता है क्यों? मुझे क्या मालूम? जिमी थोड़ा इरिटेट हुआ और दो फटके खाने के बाद उसने वहां से भागने का प्लान बनाया। जिमी ने शूटर को बोला किल हिम। शूटर ने जिमी को बोला बॉस वो तो चाय वाला है, सिक्योरिटी वाला थोड़ी ना है, जाने तो ना। जिमी का फीलिंग्स हर्ट हुआ, उसने शूटर को हर्ट किया। After all, Jimmy was a cliche psychotic villain. अगर बाबा को नंदिनी मिलती नहीं और मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं तो सुप्री शायद कनाडा में होती और कराटे मैन शायद बाबलो के साथ दारू पी रहे होते। पर हर माइंड ब्लोइंग कहानी के पीछे कुछ बहुत ही बुरे डिसीजंस होते हैं। आजूबा ने कहा होगा कभी स्किनी बॉय बॉस इसको है ना कितना ही मारो लगता नहीं है, एक एक करके जाना जरूरी है क्या? सब मिलकर मार देते हैं। खत्म हो गया, मुझे तो लगा मैं कब से लड़ रहा हूं। यार अगर 27 पे मरता तो एटलीस्ट लेजिटिमेट लेजेंड स्टेटस मिलता। इसके बाद आसोबा दिलीप कुमार के स्टाइल में मेरे लिए पानी मांगते रहे, जिमी और उसके लोग बस देखते रहे। फिर मैं मर गया और जिमी ने आजूबा को भी मार दिया। ऐसा ही होता पर आई ने ऐसा होने नहीं दिया।
जाना खत्म करना, ये जाना उड़ा दे। फायर फाइटिंग हाँ मिस्टर समुदाय, बेस्ट ऑफ लक, जा। देख टूर्नामेंट का मजा नहीं आ रहा है ना, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंपल करते हैं। तो 10 पॉइंट, ठीक है 10 पॉइंट तू लिया, तो इन तीनों को इधर से लेके निकल। ए समुराई, तेरा सैलरी मेरे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, तू 10 पॉइंट नहीं लिया ना तो जाके हाराकिरी कर, मतलब जापानीज में मर तू, ठीक है? एकदम सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ब्लॉक का कोई पॉइंट नहीं है, खाली हिट का पॉइंट है। वेट मैन, देख एकदम हॉलीवुड का तरह सिंपल, ठीक है? ओके रेडी मेरून सूट 0 समुराई 2, अरे गुड शॉट समुराई 3, उठने का क्या जरूरत है, उधर से देखो ना, ऐसे एंजॉय, उसको सीधा लेवर पे मारा क्या, ब्लेडी कंट्री बार आउट है। तू लेट ही रहे। बचपन में आजोबा ने कोई मोटिवेशनल गाना गा दिया होता तो अब याद करते, पर वो बेसुरे थे। कोई बात नहीं, कमॉन सूर्या कमॉन, इससे काम चलाना पड़ेगा। सूर्या हाँ मालूम है। 3 हाँ ठीक है। मैरून सूट 5 सैमुराई 7 टूट गया क्या, माइंड ब्लोइंग। अच्छा किया तूने, लेकिन देख मैं काउंट किया ना, 7 तेरा ब्लॉक था इसलिए 0 पॉइंट, इसने एक तोड़ा ना इसको 1 पॉइंट। मैरून सूट 5 समुराई 8 फेयर फाइटिंग है, सब कुछ फेयर है। समुराई अच्छा थोड़ा, लेकिन तुम हो गया इसका, हो गया 2 पॉइंट है, ले ले फटाफट, बोर हो रहा है अभी, फटाफट तुम कर सकते। इजी सूर्या इजी, पैर पे प्रेशर मत डालना, लंगड़ते रहना, याद रखना नो प्रेशर ऑन द लेग वरना बोन कभी नहीं जुड़ेगा। ये चलना 2 पॉइंट है, जल्दी से लेना। ब्रूस ली ने सिखाया था
मिड फाइट जब अपोनेंट भारी पड़ जाए तो शर्ट उतार देना चाहिए, गुड डिस्ट्रैक्शन। और वैसे भी पानी पीते रहना चाहिए। चले जा अपने भिखारी मास्टर का भिखारी सपना पूरा कर कल। चल 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 सेंटिमेंटल बॉय। तीन से भला दो, दो से भला एक। आजूबा का, सुप्री का, कराटे मैन का, सबका बदला लेगा तेरा। ओए एक और उड़ गया। ए बंद कर सेंड अप प्लीज। ए पॉइंट 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 9 5 उधर रहना। सॉरी समुराई, मेरे बचपन का सवाल है, थोड़ा रूल्स तोड़ना पड़ेगा। अब आता हूँ असली पे। ए तू, ए मेंटल है क्या? ए जाना घर जाना, दिमाग मत झटका। ए ए ए तू, तेरे को इतना क्या स्ट्रेस है रे? चेन का इतना क्या स्ट्रेस है? वो मणि तेरा तेरा भगवान है क्या मणि? ए ए तू, ए ए शूट कर देगा मैं, शूट कर। सूर्या ए चल उठ 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 मार इसको। ए शूट कर देगा मैं। ए ए हट। ए मैं शूट कर देगा। रेजिडेंशियल एरिया मेरे को शूट करने पर मजबूर मत कर, मैं शूट कर देगा। ए शूट ना कोई तिरंगे को सलूट कर रहा होगा, ना कोई नेशनल एंथम बज रहा होगा, और ना कोई मेरा फाइट देख के खुशी के आंसू निकाल रहा होगा। बाहर में गया ये सब। आई फील लाइक रॉकी बालबोआ। लाइफ रिकैप, इस बार तो मैं पक्का मरने वाला हूं। इतना घो उड़ गया तू। मैं भी हूँ, जिंदा हूँ, जिंदा हूँ, टेंशन मत ले। अजोगा तुम हिलो मत, चुपचाप लेटे रहो,
बड़ा होके क्रिमिनल बन गया तुम लोग, ये बुलेट्स फ्रैक्चर, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम डोंट एक्सपेक्ट मी टू ट्रीट यू नॉर एक्सपेक्ट टू सर्वाइव। सुप्री दूर रहो इस फैमिली से, तुम लोग मुझे भी जेल भिजवाओगे। स्टूपिड डोर, मेरी विस्की की बोतल ले आओ। लाके मैम, आराम से बैठो। हाँ सुबह, बाप को जला के राख कर दिया। ये बात तेरे बाप को मत बताना, डोकेला ताप होइल तू। क्या पागल है तू, तुझे पता है हुआ भी क्या है? बाप को जला के राख कर दिया। सुप्री अब से ना गन से मत मारना, हाथ से मारना। कराटे मैन ने सारा ब्लेम अपने सिर पे ले लिया और वो लेजेंड बन गए। बाबा हनीमून से वापस आए, उनका बीपी थोड़ा ड्रॉप हुआ बट ऑल अंडर कंट्रोल। सुप्री के माँ का मास्टर प्लान भी हिट हो गया और बाबा के हिसाब से मैंने अपनी डेस्टिनी पूरी कर दी। मैं एक अकाउंटेंट बन गया। सुप्री भी लाइन पे आ गई, बाकी पब्लिक की तरह जॉब ढूंढने निकल गई। आज मेरी स्पेसशिप पे बैठ जा रे, उड़े उड़े चले चले बैक टू द फ्यूचर। अरे ये क्या है? ये स्टोरी फिर कभी सुना था। रब रात अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर रपन, रब रात यू बी रेडी विद आंखों का लेजर। रपन रब रात अपने फ्रिज में तू ड्रैगन जमा कर। रपन रब रात ये बंधन तो है प्यार का बंधन है। उड़े उड़े चले चले, उड़े उड़े चले चले, उड़े उड़े चले चले। मेरे पास छुट्टा नहीं नहीं, उड़े उड़े चले चले, मोगली को शेर खां से बचाने। उड़े उड़े चले चले, ड्रैगन स्टेज में हरा के दिखावे। उड़े उड़े चले चले, आए बड़े कीड़े पैकमैन को खाने। उड़े उड़े चले चले, हेमा रेखा जया सुषमा। रपन रपे रात अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। रपन रपे रात यू बी रेडी विद आंखों का लेजर। रपन रपे रात अपने फ्रिज में ये बंधन तो है प्यार का बंधन है। पूरी नजर वाले तेरे खाते में गटर, तू जाके किस मेरे बाटा को कर। मेरी बातें सुनकर हंसना नहीं, उसे झूठ मान कर तो नहीं, नहीं। उड़े उड़े चले चले, चकले खा के ब्रूसली बने। उड़े उड़े चले चले, उड़े उड़े चले चले, इटर्निया से इगतपुरे। उड़े उड़े चले